अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद तस्मी। हमारी आज की रेसिपी है चिकन चस्का कढ़ाई, कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन ली है आधा किलो, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप तेल, 5 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, इन्हें काट लें, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा लिया है, साबुत धनिए और सफ़ेद जीरे को तवे पर भून कर कूट लें, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला, नमक 1 टीस्पून या हसबे जायका, बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं 10 अदद, थोड़ी सी अदरक ली है, इसे जूलियन काट लें, एक पतीली में तेल डालें, जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और इसे भून लें। लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टमाटर डाल दें। अब इसमें भुना कुटा धनिया जीरा, नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल कर दें, फिर इसे ढक्कन ढककर टमाटर गल जाने तक पका लें। एक पतीली में 5 से 7 गिलास पानी डालें। अब इसमें चिकन डाल दें, फिर इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, 1 टीस्पून नमक डालें और चिकन को बॉईल कर लें। इसे हमें हाफ बॉईल करना है, यानी 50% तक हम इसे बॉईल कर लेंगे। जब चिकन बॉईल हो जाए तो पानी फेंक दें और चिकन को अलहदा कर लें। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें बॉईल की हुई चिकन शामिल करेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर दें और ढक्कन ढककर चिकन गल जाने तक पका लें। चिकन गल चुकी है। अब इसमें पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और अदरक डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। अब इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। चिकन चस्का कढ़ाई तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।